देखिएगा यहाँ गुड आफ्टरनून। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ चैप्टर 11 है और सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन एनालिसिस, और एनालिसिस करने के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं हाईलाइटेड कर दूंगा, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल से उठाया जाएगा और पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन, आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम्पल का क्या है? एक लोग बोलना लेकिन तेज बोलना, ओके हाँ बताइए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे जिसका कोण 20 अंश है, हाँ 30 अंश है, जिसका कोण 30 अंश है, ओके हाँ, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोग का, देखो ध्यान से समझो, करें यहाँ करें भैया पाई का मान 3.14 रखना, कोई बात नहीं हम यही रखेंगे 22/7 नहीं रखेंगे। ये करें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना दो और जो वृत्त का ये सेंटर हो गया ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, वृत्त का एक त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या का, त्रिज्या से बना हुआ वृत्त का खंड, तो ये भैया 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? 4 सेंटीमीटर ये भी है और 4 सेंटीमीटर क्या है ये भी है। अब देखिए यहां पर ये कह रहे 30 अंश का कोण बनाता है, तो मतलब ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका हमें क्या बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया ये बताओ ये 30 अंश है, चलो हम 30 अंश कर दिए है ना, 30 अंश हम कर दिए। अब ये 30 अंश किस में, पूरे में से है ना, पूरे में से है, तो पूरे का मतलब क्या है पूरा कितना होता है 360 होता है, तो अपान 360 होता है और क्षेत्रफल बताना है, तो जब पूरे से कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बस भैया यही सूत्र है ना, मतलब यही सूत्र है और यहां पर थीटा आप कर दो। अगर मैं बात करूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो यही होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्या होता है, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, समझे। अब यहां पर कह रहे हैं यहां पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताओ, तो दीर्घ का मतलब ये वाला पोर्शन ना, दीर्घ का मतलब ये वाला पोर्शन। अगर हम दीर्घ की बात करेंगे, देखो ऐसे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप जरा सा दिमाग लगाओ, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो ये बताओ दीर्घ का मतलब ये केवल यहां से लेकर यहां तक है ना, यहां से मतलब पूरे में से 30 कम कर दो, पूरे में से क्या कम कर दो 30 कम कर दो है ना, तो 360 में से हम क्या थीटा कम कर देंगे, और कंपेयर हमेशा किससे करना है बताओ जरा सा, कंपेयर किससे करोगे बच्चा, कंपेयर किससे करोगे, मतलब 360 में से ही तो करोगे, या ऐसे समझो ये वाला जो नीला नीला है ये वाला कितना डिग्री बनेगा, तो आप कहोगे 360 में से नीचे वाला निकाल दे, मान लेते हैं ये थीटा कोण है, अभी सूत्र के चक्कर में कॉन्सेप्ट समझने के चक्कर में थीटा निकाल देंगे तो आपका ये बच जाएगा, और ये पूरा कितना है 360 है, और इनटू कर दो पाई आर स्क्वायर, बस एक बढ़िया ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर है? अब बताओ यहां पर हमें जरूरत किसकी लगी थीटा का, तो बताइए थीटा का मान क्या है 30 अंश है, जरूरत हमें और किसकी लगी आर का, तो आर का मान क्या है, क्वेश्चन चीख रहा है चिल्ला रहा है 4 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। पाई का मान ये तो खुद क्वेश्चन कहे कि 3.14 रखो, क्या आप रखकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले में रखकर और यहां पर थीटा की जगह 30 अंश रखकर सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक भी जाऊंगा, क्योंकि मेन टारगेट है हम लोग का क्वेश्चन का एनालिसिस करना। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चीज उतारना तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। क्लियर है? आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना।
अगर मान लो नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। अब कोई बच्चा हमें दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या है, दूसरा क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, एक बोलना ताकि सुनाई दे। दी गई आकृति में, जिनको उतारना उतारते रहो, ओके। दी गई आकृति में, हाँ बोलिए, छायांकित, ओके, भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे, जो 60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर, अच्छा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर तथा 14 तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्री वृत्तों से घिरा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, जहां कोण एओसी है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण एओसी बराबर है 40 अंश। हाँ, और पाई का मान 22/7। अच्छा, यहाँ अब तथा जो है पाई का मान हमें अब यहाँ जो रखना है वो क्या रखना है, 22/7 रखना है। हाँ, और कुछ कह रहा है। चलो अब यहाँ पर भैया देखो, दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, तब तक आप लोग पहला उतार लिए, समझ, उतार लिए ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा नंबर कह रहा है, कह रहे हैं दी गई आकृति में, पहले चलो चित्र बना लेते हैं हम लोग, है ना, आकृति बना लेते हैं। तो जो आकृति बनी है ये कुछ ऐसा बना है, मैं बनाता हूं, आप देख भी सकते हैं। देखिए ये आपका आकृति है, ठीक है भैया, या सुनो ऐसे इसको समझो, यहां पर क्लियर है ना, और एक आकृति ऐसे बनी है और एक आकृति भैया ऐसे बनी है, ओके, यही तो है ना आकृति। अब ये चीज जब बनी है तो यहां पर इस चीज को ऐसे ये बंद है, ठीक है। दी गई आकृति में छायांकित भाग, तो ये जो छायांकित है ये देखो हम हरे कलर से छाया कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो बताना, हम इसको जो है धूप में सुखवा देंगे, अभी हरियाली है इसमें। चलिए नमस्ते बच्चा, ये छायांकित भाग हो गया, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, और इसमें कुछ और नाटक नौटंकी किया गया है, चित्र में ही नाम लिखा गया, इसका जो है 40 अंश का है ये वाला, है ना, ये सेंटर है मतलब केंद्र है, ये केंद्र ओ है, देखो भैया चित्र उतना अच्छा नहीं, समझ लो उतना, ठीक है ना। और बना इसमें नाम है, इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या दिया गया है, डी नाम दिया गया है, और जो इसका नाम ए दिया गया है, इसका नाम सी दिया गया है, बढ़िया क्लियर है। और यहाँ पर भैया एक नाम पी है और इधर क्या है, क्यू है, कोई बात नहीं, पी और क्यू है। अब हमें क्या बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। अब आपको दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन समझ में आया, दी गई आकृति, हाँ भैया देख लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम सीधा यही पॉइंट पर पहुंचते हैं, काम की बात करते हैं, फालतू बकवास की बात नहीं करेंगे, है ना। सीधा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताओ ये छायांकित भाग कैसे निकलेगा, कुछ ऐसा करो जुगाड़ कि ये वाला बाकी सब कट के निकल जाए, कुछ ऐसा करो कि बाकी सब निकल जाए, केवल छायांकित वाला ही बचे। तो भैया अब जरा सा आप दिमाग लगाओ, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो ए, यहां पर देखिए ए और ये क्यू और ये सी, देखो ध्यान से, ए क्यू और सी, हम क्या करेंगे, ए क्यू सी, हम पूरा देख रहे हैं, ध्यान से देखना, ए क्यू सी, अगर पूरे वृत्त के लिए देखा जाए, ये बड़का वृत्त के लिए जो बड़ा सा बना, पूरे वृत्त के लिए ए क्यू सी क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, तो हम सबसे पहले लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या लिखते हैं भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड, और दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या है, ए क्यू सी, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ए क्यू सी का क्षेत्रफल। अब आप बताओ जरा सा दिमाग लगाओ, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या निकाल दें कि छायांकित भाग हमारा निकल जाए, हमारा क्या बच जाए, छायांकित भाग एक किनारे बच जाए। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ए क्यू सी में ये वाला भी आ गया है ना, ध्यान देना, देखो ये वाला भी आ गया, ये वाला पोर्शन भी आ गया है, समझे कि नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में कौन सा पोर्शन आ गया, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये वाला देख सकते हैं आप,
ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो ये पूरा आ गया क्षेत्रफल, ये पूरा आ गया बच्चा। अब बताओ, अब समझ में आया ना, क्लियर हुआ? इस पूरे में से अगर हम ये जो है ये छोटकई वाली, इसका क्षेत्रफल निकाल दें, ये वाला निकाल दें, है ना, समझे कि नहीं? दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम क्या निकाल दें, एक मिनट, ये पूरे में से, पूरे में से ये वाला निकाल दें, बी पी डी का क्षेत्रफल निकाल दें, क्या निकाल दें, बी पी डी का निकाल दें, तो क्या छायांकित नहीं बच जाएगा? नहीं समझे, नहीं समझ में आया? देखो दीर्घ त्रिज्य खंड एक्यूसी के क्षेत्रफल में से, मतलब पूरे में से, देखो ये तो दीर्घ त्रिज्य खंड समझ में आया, पूरे में से हम क्या चीज कम कर दें, पूरे में से माइनस कर दें किस चीज को, त्रिज्य खंड बी, है ना, त्रिज्य खंड ये अंदर वाला बी पी डी के क्षेत्रफल, क्या कर दें? देखो इससे नहीं मतलब है तुम्हें, ये तो फर्जी है, है ना, नहीं समझे, इससे नहीं मतलब है बच्चा, हम कह रहे हैं पूरे में से, ये तो वैसे भी अलग है ना, हम पूरे में से काम, पूरा हम कहां से काम, ये सब ले रहे हैं, पूरा ये ले रहे हैं, और इस पूरे में से हम क्या निकाल देंगे, ये वाला बीपीडी, जब पूरा लेंगे तो भाई बीपीडी वाला शामिल हो जा रहा है ना, तो पूरे में से हम निकाल दें त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, और वो भी कौन सा, बी पी डी, त्रिज्य खंड बी पी डी का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तब हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। छायांकित भाग मतलब समझ रहे हो, जो हरा वाला है इसको निकालना है। तो अब बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सबको मारो गोली, जितना सूत्र याद किया सबको मारो गोली। अब बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड का मतलब भैया ये से, देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, अब ये कितना थीटा होगा, तो पूरा तो 360 था, लेकिन 360 में 40 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 40 को माइनस कर देंगे, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, 360 से, तो अपान कर देंगे 360, अपान कर देंगे 360, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस। अब बताओ त्रिज्य खंड, ये छोटका वाले का, देखो ये बीपीडी का, जब बीपीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, जब किसका निकालेंगे, और बीपीडी मतलब समझ रहे हो क्या है, देखो बीपीडी ये छोटे वाले वृत्त का है, अगर हम बीपीडी की बात करें तो देखो ध्यान से, बीपीडी ये वाला, देखो अब यहां नीले भाग से कलर कर रहे हैं, ये बीपीडी ध्यान से समझना, हलवा मत होने देना, ये है देखो बीपीडी का मतलब ये है, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, बीपीडी का मतलब ये है, छोटे वाले वृत्त ले रहे हैं, बाद में हम छोटा वाला वृत्त ले रहे हैं, देखो बीपीडी, बी और पी यहां है, तो बीपीडी को निकाल देंगे तो हमारा ये हरा वाला भाग बचा रह जाएगा, है ना। अब जब हम बीपीडी को निकालेंगे तो बीपीडी क्या है, 40 है, बीपीडी क्या है, 40 है, तो क्या करेंगे, 40 और कंपेयर कितने से हो रहा है, पूरा पूरा कंपेयर कितने, 360 से होगा ना, तो 40 अपान क्या करेंगे, 360, और क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब तुम्हें दिमाग लगाना है, ध्यान देना, छोटे वाले वृत्त के लिए देखो यहां दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमने ये दिमाग लगाया छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब समस्या आई भैया, चलो पाई का मान 22/7 रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आर का मान, अब देखो ध्यान से, दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरा है जहां पर एंगल एओसी बराबर 40 डिग्री, एंगल एओसी बराबर क्या है, 40 डिग्री। अब यहां पर तुम्हें आर का मान दिमाग लगाना है, आर का मान कैसे आएगा, तो यहां देखो जो 7 सेंटीमीटर मतलब जो छोटका वाला वृत्त है ना, ये जो अंदरों में समाया हुआ है, ये देख रहे हो, ये वाला, ये देखो ऐसे हम बना ही दे रहे हैं, देखो ये दिखा कि नहीं, ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर आर का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, समझे कि नहीं, यहां पर जो आर का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, समझे। और ये जो आगे 14 सेंटीमीटर, तो 14 का मतलब कौन, ये जो बड़का वाला वृत्त है, ये जो बड़ा वाला है, देखो ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला, ये आ गया, ये है देखो बड़का वाला वृत्त,
तो बड़े वाले का कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले के लिए यानी कि यहां पर अब मान लो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आर वन है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आर टू है, तो आर वन का मान यहाँ बड़े वाले के लिए आर का मान क्या रखेंगे 14 रखेंगे, बाकी भैया पाई का मान सब में वही रखेंगे। अब बताओ लगा लोगे कि नहीं खुद से, अब यही लगाओ 360 में से 40 कम करो, अपन इनको हिसाब किताब करो भैया। सर छोटे छोटा वाला जो है उस 40 कैसे होगा सर, छोटा वाला 40 कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर जरा साफ दिमाग, क्या ये 40? अरे भाई अभी मैंने बताया, देखो ऊपर वाला सर दिया जाता है ना, देख रहा है? नहीं एक मिनट रुको देखता हूँ, नीचे गिर गया, रुको भैया मार्कर नीचे गिर गया, उठाते देखो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया का, अच्छा ये हम बड़े वाले का निकाल रहे हैं ठीक है, ये देखो ये बड़े वाले का हम ये निकाल रहे हैं ना, ये तो कह रहे हो कोई बात नहीं, ये जब अब हम हाँ सही करो यार, ये काला वाला जब निकाल ये बड़े वाले का निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे 360 माइनस 40, नहीं यार कुछ पंगा हो रहा है ना, नहीं सही है ये बड़े वाले का निकाल रहे हैं ना, अरे छोटे वाले में देखो ये छोटे वाले वृत्त में हमें इस भाग को एरिया को घटाना है, ये वाला ये देखना है, ये वाला देखना है, तो सही करो यहाँ पर क्या होगा 360 में से 40 निकल जाएगा, ओके 360 में से क्या निकल जाएगा 40 निकल जाएगा, सॉरी हम इतने का अंदर का नहीं निकालना है ना, ये तो थोड़ी कबाब में हड्डी बन रहा है, कबाब में हड्डी तो ये बीच वाला बन रहा था, कबाब में हड्डी क्या बन रहा था बीच वाला, तो 360 में से हम 40 निकालेंगे, सही क्लियर है? अब सही हो थोड़ा सॉरी फॉर दिस, क्लियर है अभी समझ में आया? अब कर सकते हो ना, आपको करना है, और जो नहीं समझ में आएगा बताना, फिर चित्र आप बना लीजिए और ये सूत्र में लिख लीजिए, तब तक हम इसे मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन तैयार करते हैं अगला, क्लियर है ना? चलिए इसे क्वेश्चन मिटा दूं ना, क्वेश्चन तो आप किताब से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि जो है मान लीजिए कभी आप केवल वीडियो से रिविजन करें तो क्वेश्चन भी आपके सामने रहे, ओके भैया? चित्र खिचड़ी तो नहीं हो गया, अगर खिचड़ी हो गया तो चित्र किताब में बना है, आप वहां से लिख सकते हैं, क्लियर है? चलिए अगला बताइए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोई बच्चा बताइए मुझे तीसरा एग्जांपल क्या है भैया? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्त के लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, अच्छा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आगे बताइए, जबकि इसके केंद्र पर ठीक है बना कोण, इसके केंद्र पर बना कोण 60 अंश है ठीक 60 अंश है, साथ ही इसके संगत इसके संगत दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का भी का क्षेत्रफल ये भी बताना है ना, और क्या कह रहे हैं अच्छा पाई का मान 22/7 रखना भैया, ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना इनका इंस्ट्रक्शन, अब लोग ये उतार लिए ना, चले अब इसे मैं मिटाऊं, अब यहाँ देखो 14 से यहाँ चित्र उत्तर नहीं बना इस क्वेश्चन के लिए, अब हमें खुद दिमाग लगाना होगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो कुछ करना नहीं है, एक वृत्त बनाओ, लो भैया एक वृत्त होगा, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर और यहां से त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ओके आगे कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के लघु वृत्त खंड, अच्छा वृत्त खंड हमें बनाना है ठीक है ना, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा ना, आगे कह रहे हैं बना कोण, इनके अंदर बना कोण कितना अंश है 60 अंश है, इसका पहले क्षेत्रफल बताओ, चलो अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फिर आगे चलेंगे, इसे मिटा दो कर लिए ना, चलिए अब यहां पर देखिएगा ये सब क्वेश्चन आप लोग लगाना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए भैया, इसका क्षेत्रफल अब बताइए, जब इसका क्षेत्रफल यहां नाम रख देते, मान लेते नाम ए है और ये क्या है बी, तो ए ओ बी, तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड, पहले समझो आप लोग बाद में उतार लेना, हम उतारने मौका तो दे ही रहे ना,
त्रिज्यखंड AOB, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर जी 60 अंश है, तो यहां पर कर देंगे 60 अंश अपान 60 अंश, ओवरऑल 360 में से 60 अंश है ना, तो अपान 360। और क्षेत्रफल की बात हो रही तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब बताओ आर का मान क्या रखेंगे? तो आर का मान यहाँ पर 14 रखेंगे, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर रखेंगे, और पाई का मान तो खुद दिया ही गया है, निकाल लेंगे ना। फिर आगे क्वेश्चन आ जाओ, कह रहे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा ओ माय गॉड, यहाँ तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, हमें क्या बताना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, त्रिज्यखंड नहीं भैया। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो समझ लिए त्रिज्यखंड, कोई बात नहीं। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि देखो एक चीज इसके लिए मैं एक उपाय बता दे रहा हूं, क्लियर है? जैसे जब ये होगा तो आप ये चीज ऐसे बनाओगे, है ना, ऐसे बनाओगे और तुरंत ये चीज ऐसे करोगे, देखो तभी तो वृत्तखंड बनेगा ना। वृत्तखंड जीवा की सहायता से बनता है, तो यहाँ वृत्तखंड नाम रख देते हैं, इनका नाम मान लो पी रख देते हैं, तो ए पी बी, तो क्या करोगे? वृत्तखंड, वृत्तखंड ए और यहाँ पी और बी का क्षेत्रफल, तो ए पी बी का क्षेत्रफल, क्लियर? और यहाँ पर बोल रखा लघु वृत्तखंड, वैसे छोटा तो है ही, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, क्लियर है? इसका सूत्र होता है, और सूत्र कैसे बनता है जरा सा दिमाग लगाओ। इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, पूरे पूरे के मतलब ए ओ बी, ये त्रिज्यखंड, पूरा त्रिज्यखंड का मतलब समझ रहे हो? ये चीज देखो, पूरा ये त्रिज्यखंड, ये पूरा क्या त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड ए ओ बी क्या करोगे, त्रिज्यखंड यहां पर लिखते हैं त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी। अब बताओ पूरे में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तब तो काम हो जाएगा ना, नहीं समझे भाई? हमें ये जो करियो वाला पोर्शन है ना, यही का क्षेत्रफल निकालना है, यही वृत्तखंड है ना। अब इस वृत्तखंड में का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा है काले वाले को मिलाकर ये पूरा है, देखो लीप पोत रहे ना, ये पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वृत्त वाला क्षेत्रफल निकाल दें, ये वाला निकाल दें, तभी नीचे वाला मिल जाएगा ना। तो वही हमने पूरा लिखा त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, माइनस इसमें क्या माइनस कर दें बोलो, त्रिभुज ए बी ओ को माइनस कर दें, तो माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया? ए ओ बी का क्षेत्रफल ये माइनस कर देना भैया, बताए इसमें कोई समस्या? यहां तक क्लियर है ना? अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे थीटा अपान 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहोगे सर जी बड़ा झमेला, यहाँ ऊंचाई निकालो, फिर नाटक नौटंकी करो, एक काम करते हैं सगरो झमेला हटाते, है ना, ये तो हो गया समझने की बात। आप यहाँ पर सीधा एक अपान दो आर स्क्वायर साइन थीटा, बस ये सीधा याद कर लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सीधा सूत्र याद करो, उनको मारो गोली, ये तो समझने के लिए मैंने बताया बस। अब यहां पर ना तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिमाग लगाना ना कुछ, सीधा पाई अरे थीटा पान 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक अपान दो आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको ये कैसी बात है, ये सौ में सीधी बात है और क्या है, क्लियर है? अब यहां पर बताओ आर का मान क्या रखोगे, तो आप कहोगे आर का मान क्या रखेंगे भाई, 14 रखेंगे, पाई का मान ये कह ही रहा है 22/7 रखेंगे, और थीटा का मान क्या रखेंगे बताइए जरा सा, यहाँ 60 था तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। हिसाब किताब करना तो आता ही है ना, लगाओ, अगर नहीं आएगा तब उसके लिए मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से समझाऊंगा, इतना इतना क्लियर है। आगे कह रहे हैं साथ ही इसके संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल बताओ, तो ये कह रहे इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, ये कह रहे हम बताओ संग, अरे यार वृत्तखंड भैया, तो संगत दीर्घ, अब कुछ कहोगे ये मजाक केवल कर रहे हैं, है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का, अच्छा दीर्घ का नाम क्या ए, इसका नाम रख देते मान लो एम, तो क्या हो जाएगा ए एम बी भाई, दीर्घ वृत्तखंड का मतलब
पंगा हो रहा है। दीर्घ वृत्त खंड का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, देखो दीर्घ वृत्त खंड का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, एक काम करते हैं, दीर्घ वृत्त खंड का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला देख रहे हो, और यहां तक पूरा, यहां तक है, यहां तक आएगा, देखो ये, इसके नीचे वाला यहां देखो लो एकदम गहरे कर दे, नीचे वाला क्या है लघु वृत्त खंड और ऊपर वाला क्या है दीर्घ वृत्त खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अब बताओ ये वाला कितना है 60 अंश था, तो दीर्घ के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ यही सूत्र लगा दो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल करें तो भाई हमारा थीटा क्या होगा 360 में से 60 कम हो जाएगा, ये सूत्र रखो, ये सूत्र सीधा 360 माइनस इसमें से क्या कम कर देना है 60 कर देना है, तो यहां पर माइनस 60 अपान 360 बाकी वही ऊपर वाला छाप दो, छाप देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर है, समझ में आया, बस समझे, समझ में आ रहा है ना, इसको आप लोग उतार लो सिंपल सा, ये परेशान ना हो दीर्घ लघु, अरे दीर्घ कहे तो क्या करना है ना, 360 में से छोटका वाला माइनस कर देना तो बड़का वाला अपने आप निकल जाएगा, क्लियर है ना, चलिए इसे उतारिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पहले अरे तैयार करते हैं, लिखते है ना, इसे उतारिए आप लोग, चलिए भैया चौथा एग्जाम्पल बताइए, समझ में आ रहा है ना सबको, बढ़िया मौज कर रहे हो ना, हाँ करते रहो मौज, लेकिन सवालों लगाते रहे ना, टेस्ट लेंगे बच्चा, चलिए चौथा क्वेश्चन बोलिए क्या है, दी गई आकृति में, ठीक है दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कहा है भैया दो संकेंद्रीय, अच्छा दो संकेंद्रीय, ठीक है दो संकेंद्रीय वृत्तों के, वृत्तों के त्रिज्य खंडों के, अच्छा दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्य खंडों के त्रिज्य खंडों के त्रिज्याएं, ठीक है 7 सेंटीमीटर, 7 से अरे 4 लिख दिया 7 सेंटीमीटर है तथा 3.5 सेंटीमीटर है आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चलो बढ़िया, लेकिन पहले चित्र तो बना देते हैं है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, लेकिन इसके लिए अच्छा आप लोग ये उतार लिए ना, ये उतार लिए हो ना, चलिए ठीक है ये सब बढ़िया, इसे ये हो ना तुम ऐसे सरका नहीं सकते हो, ठीक है अपना मिटाएं इसे, चलिए ठीक है अब यहां पर आते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक दी गई आकृति में, भैया जब तक आकृति बनाएंगे नहीं तब तक काम तो चलेगा नहीं, चलो पहले आकृति बनाते हैं, आकृति ऐसे कुछ है, ऐसे जो है ऐसे ही तो है, ठीक है बढ़िया आकृति है, देख रहे हो ऐसे आकृति है, कुल्फी जैसा लग रहा है, यहां पर है और यहां पर एकदम काली पोता गया है, ऐसे जो है ऐसे ये चित्र बना है, ठीक है ये, और नामकरण किया गया है, ये 30 अंश के फलाने और बाकी सबका नाम है जो, हाँ ये जो छोटी वाली जो त्रिज्या है, छोटी वाली जो त्रिज्या है ये क्या 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़की वाली त्रिज्या यहां से यहां पूरा, बड़की वाली कितनी है 7 सेंटीमीटर है, अब ध्यान से समझो भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, क्या कह रहे हैं दी गई आकृति में, हाँ देख ले आकृति देख ले ना, नाम लिख दो ओ ए बी सी डी, हमारा मन हम कोई भी नाम लिखेंगे, जब यहां नाम नहीं लिखा गया तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, छायांकित दी गई आकृति में, हाँ देख ली दो संकेंद्रीय वृत्त है, हाँ सही है भैया एक केंद्र से दो वृत्त है ना, अगर ऐसे पूरा बनाएंगे लेकिन काट के थोड़ के भाग दे जितने काम है बाकी पूरा तो दिए नहीं है, ठीक है आगे त्रिज्याएं बड़के की 7 है छोटके की 3.5 सेंटीमीटर है, बढ़िया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है कुछ करना नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा ऐसे, नमस्ते बच्चा अब कैसे दिमाग लगाओ आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जरा दिमाग लगाओ ये छायांकित भाग इतना निकालना है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से ऐसा कुछ काम किया जाए कि पूरे के क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, और पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे तो छायांकित बचा रह जाएगा ना, नहीं समझे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से हम क्या करें पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का मतलब ए ओ बी, तो हम क्या करेंगे अच्छा ए ओ बी क्या त्रिज्यखंड ही तो है ना, तो क्या करेंगे
त्रिज्यखंड, बोलो त्रिज्यखंड ए, देखो त्रिज्यखंड ए ओ बी या ओ ए बी या बी ए ओ, स्वतंत्र देश के नागरिक जैसे मन करे तैसे नामकरण करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ ए बी, तो त्रिज्यखंड ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब आप लोग दिमाग लगाओ जरा सा, त्रिज्यखंड ओ ए बी के क्षेत्रफल में से क्या निकाल दे कि ये वाला बचा रह जाए। तो आप कहोगे ओ ए बी के क्षेत्रफल में से अगर ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए, ओ सी डी का क्षेत्रफल। अच्छा ओ सी डी भी तो छोटका वाला त्रिज्यखंड है, देखो ये छोटा वाला है, तो इसमें से क्या निकाल दे ओ सी डी, तो माइनस यहां पर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है, समझ में आया। अब बताओ पहले वाले के लिए, अब त्रिज्यखंड ओ ए बी मान लेते ये आर है, ये बड़का वाला आर है और छोटका वाला स्मॉल आर है, बेचारा बड़ा तो बड़ा आर, छोटा तो छोटा। क्लियर है ना, समझ में आया। अब बताओ त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका आप क्या कहोगे भाई दोनों के लिए 30 अंश है, दोनों के लिए क्या है 30 अंश है, तो 30 अंश और कंपेयर किससे करोगे 360 से, तो 30 अंश अपान 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन बड़के वाले के लिए भैया कैपिटल आर कर दो, बड़का आर कर दो, क्लियर है ना। माइनस अब छोटका वाला देखो ओ सी डी का क्षेत्रफल, तो कोण कितना है 30 ही है, तो 30 अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटके वाले के लिए छोटका आर तो पाई आर स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कैपिटल आर का मान 7 रखना और स्मॉल आर का मान क्या करना। अच्छा इसको सरल बनाने के लिए ना तुम लोग जुगाड़ लगाया करो, 330 अपान ये देखो ये दोनों मान, तो इनको कॉमन ले लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे ऐसे 30 डिग्री अपान 360 डिग्री और यहाँ पाई, हम पाई का मान बाद में रखेंगे, पाई का मान क्या रखना 22/7 रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर नहीं नहीं केवल पाई कॉमन लेंगे, तो अंदर में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब हिसाब किताब करना तो आता ही है ना, आप लोग उतारो, तब तक हम दूसरे का क्वेश्चन क्या करते हैं पैदा करते हैं, ठीक है। अच्छा इसे मिटाओ, इसे आप लोग उतारिए, इसे मिटाया जाए ना, समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन एनालिसिस करने में। आप सब लोग लगाना, जो नहीं आएगा मैं आंसर भी बताऊंगा। चलिए पांचवा वाला बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, आकृति में। अच्छा आकृति में सम्मिलित चित्र दिया है, बहुत बढ़िया कह रहा है, आकृति में दर्शाए गए, ठीक है, आकृति में दर्शाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे लो ज्ञात करना, हंसी लगा दी। आगे बताओ, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर है और कोण ए, अच्छा कोण कम सिंबल बना देते हैं, कोण ए ओ बी, हाँ 120 अंश है, ठीक है, और पाई का मान क्या लेना है 22/7 और पाई बराबर 22/7 लेना है, है ना। और कुछ है, चलो पहले चित्र बनाते, आप लोग इसे उतार लिए ना, उतार लिए ना, ठीक है, तेज रहो। चलो अभी से मैं लिप पोत देता हूं, ठीक है, हाँ उतार लिए सब लोग। अब देखिए यहां पर पहले भैया दी गई आकृति में पहले चित्र बना देते हैं, तब आगे कुछ काम होगा। तो आकृति क्या है, ऐसा एक गोला है, गोला नहीं वृत्त है, वृत्त गोला में अंतर होता है, कहां अंतर होता है पता है, गोला 3D है और वृत्त कई डी है 2D है, हाँ याद रखना, वृत्त जो होता है 2-dimensional शेप होता है और गोला होता है 3-dimensional शेप। खैर अभी यहां पर पहले पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। तो ये वृत्त है, सेंटर ओ है, ये ऐसा ऐसा चित्र बना, ऐसा है फिर ऐसा है फिर यहां पर ऐसा है फिर यहां पर लिपा पोता गया है ना, क्लियर है ना बस। और ये कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है 120, और इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर, अरे त्रिज्या तो बराबर ही होगी ना, कहां बार बार कह रहे हैं। अच्छा चलो
नाम भी दिया गया भैया, ओ ए और क्या है बी, और यहाँ पर नाम है वाई। भैया समझ में आया? चलो आकृत में, हाँ देख लिया आकृत में, एक वृत्तखंड, अच्छा वृत्तखंड है ऊपर ए वाई बी है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, पहले यहीं पर आते हैं, धावा यही बोलते हैं। अब जरा सा दिमाग लगाओ भैया, वृत्तखंड, अब शायद आप लोग का दिमाग काम करने लगा होगा है ना, वृत्तखंड ए वाई बी, कौन ए वाई बी, तो वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर। अब बताओ ए वाई बी कहां से पैदा हुआ है, ए ओ बी वाई से, ए वाई बी किसके घर का है, ए ओ बी वाई का है, तो इसको कैसे निकालेंगे है ना, पूरे घर के है ना, यानी कि पूरे त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर नाटक, तो आप सीधा इसके पहले सूत्र बताए ना, क्या लगाओ भैया, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हटाओ सब दिमाग ना लगाओ, सीधा एक है फॉर्मूला लगाओ, सब आंसर बताओ, क्लियर है ना, समझ में आया। बस अब यहाँ क्वेश्चन है, आर का मान क्या रखोगे बताओ भैया, 21। आर का मान रख देना 21, और बताओ थीटा का मान क्या रखोगे, 120 रखोगे, और पाई का मान तो दिया ही गया है 22/7, अब हिसाब किताब नहीं कर पाओगे का। आगे कह रहे हैं, आगे क्या ये कह रहा था क्वेश्चन, ये तो हलवा एकदम से, चलो इसे लिखो, तब तक हम अगला क्वेश्चन निकालते हैं, नहीं आएगा तो मैं आऊंगा, परेशान ना हो, आप लोगों को बताना अगर लगाना सवाल आंसर नहीं आता है तो उसको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भैया, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6, हाँ क्या है आकृत में, नहीं 6 वाला बताइए क्या है, एक घड़ी, हाँ ठीक है एक ही घड़ी है, आगे की मिनट की सुई, हाँ कितना है 14 सेंटीमीटर लंबी है, अरे बड़ी लंबी है, चलो आगे बताइए, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई गई, हाँ आगे त्रिज्यखंड, अच्छा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अच्छा पाई का मान क्या रखना है, 3.14 रखना है। चलो भैया हम इधर क्वेश्चन पैदा किए, तुम लोग छाप लिए ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक घड़ी है, लो भैया एक घड़ी में 12 आदमी, एक ये 12 है और ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है, खैर इससे मतलब ही नहीं है, मारो गोली, एक घड़ी की, अच्छा मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, मान लेते हैं भैया ये 14 सेंटीमीटर, आप करो नहीं नहीं इनको मानो, इनको मान, अरे किसी को भी मानेंगे भैया है ना, ये बताओ अगर घड़ी की सुई यहाँ 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ आने पर 15 हो जाएगी का, तो इसका मतलब घड़ी की सुई त्रिज्या का काम कर रही है, हर जगह एक रहेगी, तो जब ये 14 तो ये हो 14 है ना। अब ऐसे समझो बेचारी ये 14 सेंटीमीटर मिनट की सुई है ना, 5 मिनट चली तो इसे खिसकते 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 कहां पर पहुंच गई, खिसकते खिसकते पहुंच गई, अरे 10 मिनट चल रही है, खिसकते 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 यहां पहुंच गई, ये देख रहे घड़ी की सुई था यहां से ये चली और 10 मिनट के बाद कहां आ गई, यहां पर, तो घड़ी की सुई की लंबाई तो सेम रहेगी ना, घड़ी की सुई की लंबाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब जरा दिमाग लगाओ, पूरी घड़ियावा 60 मिनट में कितना अंश घूमती है, 360 अंश घूमती है ना, तो एक मिनट में कई अंश घूमेगी, आप होगी 360 अपान 60 जीरो जीरो सहित 6×4=36, एक मिनट में 6 अंश घूमेगी, हम पूछ रहे तो 10 मिनट में कई अंश घूमेगी, तो आप क्या बताओगे, 60 अंश घूमेगी, मतलब ये पता चल रहा बीच में कई अंश के कोण, बस भैया त्रिज्यखंड, कह रहे बने त्रिज्यखंड, अच्छा लो भैया बने त्रिज्यखंड, गजब ये देखो लिखो त्रिज्यखंड बन गया ना है ना, लेकिन यहाँ बीच का कोण कितना है, 60 अंश है ना,
बीच का कोण कितना है? 60 अंश। अब निकाल पाओगे कि नहीं? इनका नाम रख दो, नाम है ए बी ओ, तो बताइए कैसे निकालोगे, जरा से बताइए। त्रिज्यखंड कहाँ गया? ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर। आप कहोगे गुरुजी तो बढ़िया है भाई, 60 अंश है, ठीक है 60 अंश है, और कंपेयर किससे होता है? 360 से होता है, बढ़िया है। और पाई आर स्क्वायर, अब हिसाब किताब तो कर ही लोगे ना, आर का मान क्या रखोगे? 14 रखोगे, थीटा का मान 60 रखोगे। बताओ समझ में नहीं आया? आ गए ना समझ में? बढ़िया है। और कोई एग्जांपल है? तो ये 6 एग्जांपल है, यानी कि 11.1 के पहले जो 6 एग्जांपल था मैंने सबको बढ़िया समझाया, अब आप लोग को लगाना है, क्लियर है ना। और इसके बाद होमवर्क क्या है, 11.1 आप लोग को लगाकर आना है इतना, अगर आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से, तो इतना गारंटी में दे रहा हूं, दिमाग से लगाओगे तो 50% क्वेश्चन 11.1 का आ जाएगा। आप सब लोग लगाना होमवर्क, क्लियर है ना सबको? ओके, आज की क्लास इतना ही, और बताइएगा आप लोग एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स ये पहली क्लास कैसी लगी, है ना? अगर कोई कमी लगी फिर बताना जोश जोश के साथ में, होश भी लेकर आएंगे और ज्यादा होश लेकर आएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, क्लियर है? ओके, थैंक यू क्लास।